Hi, I am भाविक थक्कर Welcome to बेटीट्यूड If you're more comfortable with English language, please hit the I button and watch the English version of exact same video. Lekin agar aap Hindi language se ज़्यादा comfortable hai, तो फिर इसी वीडियो में बने रहिए देखिए टाइम एंड वर्क के हमने काफ़ी कुछ questions किए हैं अलग अलग videos भी किए हैं और काफ़ी वेराइटीज कवर कर चुके हैं खास करके वो वाले questions जहाँ पे इंडिविजुअल्स काम करते हैं है ना ये क्वेश्चन बहुत सारे हमने किए जैसे कि ए बी और सी एक काम को कर रहे हैं ऐसा कुछ क्वेश्चन डाटा दिया है या तो वो पाइप्स और सिस्टम है ना नल और टंकी वाले क्वेश्चन ये भी हमने कवर किए हैं इसके बाद वो वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग एंड लिविंग यानी कि कुछ बंदे कुछ टाइम के बाद आते हैं काम करने के लिए और कुछ बंदे काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले चले जाते हैं तो ये सबके भी मैंने शॉर्टकट दिए हैं और वो वाले क्वेश्चन अल्टरनेट डेज वाले यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन काम करना तो ये सबके बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट्स मैंने आपको दिए हैं और ये सब अभी तक बेस्ट शॉर्टकट के साथ हमने सॉल्व किए इन केस अभी आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे आपको आई बटन भी दे, दे देता हूँ देख लीजिए बहुत ही मजेदार है है ना आज भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं यानी लोग तो काम कर रहे हैं ए बी सी एस आई कुछ लेकिन यहाँ पे थोड़ा हटके है हटके क्या है ये एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है जहां पे हमें ऐसा कुछ टाइम दिया जाता है कि जब वो अकेले करते हैं तो कितना टाइम एक्स्ट्रा लेते हैं मतलब साथ में करते हैं तो ऑब्वियसली कम टाइम लेते हैं और जब अकेले करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ता है वो एक्स्ट्रा टाइम कितना है ना तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हो दो नल टंकी भर रहे दो मिनट और आठ मिनट एक्स्ट्रा लग रहे ये इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन जहां पे क्या होता है कि साथ में जितना टाइम लेते वो तो दिया है लेकिन अकेले करते वक्त जो एक्स्ट्रा टाइम लेते वो नहीं दिया लेकिन एक दूसरे से कितना डिफरेंस है टाइम में वो दिया है है ना तो ये सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया मेथड में लेके आया हूं सब क्वेश्चन हम ईजिली सॉल्व करेंगे तो काफी लोग को पता है कि सर ये तो ऐसे होता है लेकिन जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं ना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और उन क्वेश्चन को जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसी शॉर्टकट से सॉल्व होगा ठीक है तो अंत तक बने रहिएगा बहुत ही मजा आने वाला है चलिए शुरू करते हैं अच्छा देखिए तो सबसे पहले तो समझ लेते कि ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो शॉर्टकट है क्या देखिए इसको सॉल्व करने के तरीके कौन से हैं जैसे प्रॉब्लम कहाँ पे है यहाँ पे कोई लॉजिकल मेथड नहीं चलेगा अब मैंने आपको पहले से बताया चार तरीके होते हैं कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक तो लॉजिक जिसको हम पहले हमेशा सोचते हैं टी में आप यही सीखते हो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लॉजिक है ही नहीं तो तीन मैथड बच गए आप ऑप्शन से चले जाओ आप इक्वेशन बनाओ या तो कोई फॉर्मूला रट्टा मार लो मैं ज़्यादातर रट्टा नहीं मरवाता है ना मैंने सिर्फ एक प्रॉफिट लॉस में रट्टा मरवाया था आर स्क्वायर बाय हंड्रेड एक यहां पे एक रट्टा मारना पड़ेगा तो थोड़ा आपका स्पीड बढ़ जाएगा और एक टाइम स्पीड डिस्टेंस में रट्टा मरवाऊंगा कि दो ट्रेन क्रॉस होने के बाद अगर ए और बी घंटे लेती है तो उसका स्पीड का रेशियो क्या होता है बस ये दो जगह पे ठीक है दो तीन जगह बस यहां पे और कोई फॉर्मूला नहीं होता लेकिन यहां पर क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं और अगर आप ऑप्शन से भी गए तो थोड़ा तो ज्यादा टाइम लगेगा अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है ठीक है और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर ऐसा मत सोचना कि सर ये तो हमें आता है जो क्वेश्चन में आगे देने वाला हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो अंत तक देखिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हम इस टाइप के कैटेगरी के, के लेके आए हैं चलिए आप कर लोगे शायद पोस्ट करके है ना जिनको पता है वो फटाफट कर लेगा देखिए बताता हूं इसको मेहनत करके भी आप सॉल्व कर सकते हो आप कैसे सोचते हो कि ए और बी को अकेले के लिए दो मिनट और आठ मिनट अधिक समय लगता है ज्यादा लगता है दैट मीन्स मान लो साथ में ठीक है टुगेदर वाला टाइम एक बार आप मान लेते हो अगर जब साथ में टाइम लगता है वो एक्स है तो फिर ए को टाइम कितना लगता है दो मिनट ज्यादा यानी कि एक्स प्लस टू है और बी का टाइम आप ले लेते हो एक्स प्लस एट है, है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल ट्रेडिशनल एक बार बता देता हूँ ठीक है शॉर्टकट हम देखेंगे एक बार समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमें पता चलेगा कि शॉर्टकट क्यों काम करता है कैसे काम करता है ठीक है ओके अब हमें पता है कि ए प्लस बी का काम इज इक्वल टू टू गेदर का काम काम टोटल एक मान लेते हैं तो ए का काम हम बोल देते हैं वन अपॉन एक्स प्लस टू बी का काम हम बोल देते हैं वन अपॉन एक्स प्लस एट और टोटल काम तो हो गया वन बाय एक्स है ना दोनों साथ में मिलके जो काम कर रहे हैं इक्वेशन बन गया सॉल्व ही तो करना है है ना ये इधर जाएगा ये इधर तो एक्स प्लस एट प्लस एक्स प्लस टू यानी टू एक्स प्लस टेन ये हो गया भाई टू एक्स प्लस टेन नीचे इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस टू एक्स यानी प्लस टेन एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू वन बाई एक्स अब क्या होता है ये एक्स इधर जाता है ये उधर चला जाता है, है ना तो ये एक्स सब उधर रहेगा तो टू एक्स गुना एक्स यानी टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ये पूरा उधर चला गया तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस सोलह है ना सिंपल सा फंडा है अब सीधी सी बात है टेन एक्स टेन एक्स तो कैंसल ये एक्स उधर गया तो टू एक्स स्क् माइनस एक्सक्वायर यानी एक्स टू सोला और ये तो हमें पता है एक्सक्वायर इज इक्वल टू सोलह यानी एक्स प्लस और माइनस फोर लेकिन माइनस में तो होगा नहीं आपका टाइम है है ना तो x 4, है ना तो ये ऐसे सॉल्व हो गया लेकिन आपको पता चला ये ये आया कहां से था देखिए पे भी था यहां ये आया था कहां से टू और आठ का मल्टीप्लाई करके है ना तो पहले से ही समझ लेते कि ये दो और आठ का मल्टीप्लाई कर दो ना है ना क्योंकि देखिए बाकी सब कैंसिल हो रहा है, है ना ये टेन एक्स टेन एक्स सब कैंसिल हो गया तो बेसिकली अगर आपको ये पता चल जाए ठीक है देखिए इस तरह से तो लेके आएगी साथ में भी आपको चार घंटे या जो मिनट मिनट है तो मिनट दिन है तो दिन चार मिनट लगेंगे है ना लेकिन हम समझ क्या रहे हैं देखिए बी टी शॉर्टकट मेथड क्या हुआ हमने एक फार्मूला समझा क्या फार्मूला समझा मेथड से ही समझा फॉर्मूला जो हमने इक्वेशन किया वहां से पता किया कि जो एक्स्ट्रा टाइम बाई ए है है ना और एक्स्ट्रा टाइम बाई बी है उसको मल्टीप्लाई करें और उसका स्क्वायर रूट निकाले आठ और दो का मल्टीप्लाई करके सोलह का स्क्वायर रूट चार तो वही तो आंसर था टू का यानी या तो यहाँ स्क्वायर रूट करे या तो यहाँ पे स्क्वायर करे एक ही बात है है ना तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से टूगेदर का स्क्वायर आता है जो साथ में जो टाइम लेते हैं उसका स्क्वायर बनता है ये पता हो तो फिर कुछ भी नहीं आप सीधा कर लोगे ना कि अच्छा दो गुना आठ सोलह है तो टी स्क्वायर अगर सोलह है यानी कि टी आपका चार है बात खत्म है ना तो समझ में आ रहा है हमारा फॉर्मूला समझना ये क्या है एक्स्ट्रा टाइम बाय ए का मतलब ए और बी साथ में करते हैं उससे जो एक्स्ट्रा है वो टाइम एक्स्ट्रा टाइम बाय बी मतलब ए और बी और ये हमें हर वक्त लिखना नहीं पड़ता ये तो माइंड में रखना है है ना हम सीधा ये क्वेश्चन दो और आठ सोलह का स्क्वायर रूट उच्चात बस पांच सेकेंड का क्वेश्चन था है ना काफी लोग से बन भी गया होगा क्योंकि ईजी था काफी लोगों ने यह फॉर्मूला पढ़ा होगा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए ठीक है इजी है जस्ट एप्लीकेशन है इस बार हो जाना चाहिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए चलिए होपफुल आपसे बनी गया होगा कुछ भी तो नहीं करना वापस सेम तरीका है है ना आप क्या करोगे ये इतना एक्स्ट्रा टाइम है और उधर कुछ है कि नहीं दूसरा ये ये रहा ये इतना टाइम है एक्स्ट्रा तो वही पूछा है ना दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में करेंगे तो वही तो हो गया ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव मतलब फोर्टी नाइन बाई टू और आठ को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो ये दो यहाँ कटेगा चार से फोर्टी नाइन का स्क्वायर रूट सात और चार का वर्गमूल दो सात दूनी नहीं चौदह दिन है तो दिन क्या है दिन है दिन है तो दिन में आंसर आवर्स है तो आवर्स मिनट है तो मिनट चौदह दिन आपका आंसर है ना कुछ भी नहीं है तो ये फॉर्मूला याद इसीलिए रखना है क्योंकि वरना क्या है फिर भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा पर मैं बहुत कम बोलता हूँ रट्टा मारने को बट इसमें मैं थोड़ा मजबूर हूँ है ना भाई इक्वेशन से ही आता है ये रिलेशन लेकिन सीधे सीधा यूज कर सकते हो ठीक है तो बढ़िया है है ना बहुत बढ़िया है चलिए इसको आप कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा अलग है लेकिन आप ट्राई कर सकते हो है ना पोज करके हो गया होगा होपफुली आपसे देखिए समझने वाली बात क्या थी यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यह कि ये अकेले करने से जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो टाइम ही नहीं दिया है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कैसे फॉर्मूला लगे देखिए समझते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है कि एक्स्ट्रा टाइम जो ए लेता है और एक्स्ट्रा टाइम जो बी लेता है वो साथ में लेते हुए टाइम का वर्ग यानी कि स्क्वायर होता है अब यहां पे देखिए मुझे सात वाला टाइम तो दिया है ना बारह घंटे तो मैं यहां तो हूँ दोनों एक्स्ट्रा टाइम क्या लेते वो कहीं पे दिया नहीं है लेकिन लेकिन एक नल दूसरे नल से दस घंटे ज्यादा लेता है या कम लेता है जो भी दोनों के बीच में दस घंटे का डिफरेंस है ये तो पता है, है ना? तो आप ये समझिए दोनों के जो भी टाइम में भरता है उसमें अगर 10 घंटे का डिफरेंस है तो दोनों जो जो एक्स्ट्रा टाइम लेते होंगे उसमें भी तो 10 घंटे का ही डिफरेंस होगा समझ में आ रहा है मेरा मतलब क्या है है ना यहाँ पे देखिए ये इमारत इतनी बड़ी है 10 मीटर बड़ी ये इमारत है ऐसे छः मीटर बड़ी दोनों में चार का डिफरेंस है अच्छा मैं ये इतना काट दूँ है ना इतना मैं हटा दूँ दोनों में से तीन तीन हटा दूँ तो भी ये साथ है ये तीन है अभी भी इतने में भी डिफरेंस तो चार का ही है ना है ना डिफरेंस तो थोड़ी बदलने वाला है तो यहां पे भी ये समझो कि दोनों के टाइम पे अगर 10 घंटे का डिफरेंस है तो दोनों जो एक्स्ट्रा टाइम लेते होंगे उस पर भी तो 10 घंटे का डिफरेंस होगा है ना तो ऐसा ही सोचना है कि कुछ दो नंबर जिसमें 10 का डिफरेंस हो और मल्टीप्लाई एक सौ चौवालीस आए सोलह नोवा एक सौ लेकिन सिक्सटीन में तो सोलह नो में तो सात का डिफरेंस है दूसरा अठारह इंटू आठ 144 बन गया गया ना का भी आ गया। हमें नहीं पता कि ये, या ये है वो कुछ भी हो सकता है है क्योंकि हमें नहीं नहीं बोला कि A या B, है ना ऐसा कुछ नहीं दिया पर एक धीमा हो गया एक फास्ट हो गया क्लियर है तो ये तो मिल गया कि एक्स्ट्रा टाइम एक नल कितना लेता है एक्स्ट्रा टाइम दूसरा नल कितना लेता है क्लियर है अब पूछा क्या है कि धीमा पाइप धीमा पाइप यानी जो ज्यादा टाइम लेता है ज्यादा टाइम तो ये लेता है तो वो कितने घंटे में अकेला बढ़ सकता है तो अठारह आंसर मत दे देना वो ध्यान रखना अठारह आंसर मत दे देना है ना कि दिमा बी रहा अठारह इसको इंटरप्रिट करो समझना पूरा कि ये ऑप्शन में भी होगा अठारह अठारह घंटे ज्यादा लेता है ना कि एक्स्ट्रा टाइम बाइ है किससे ज्यादा जो टुगेदर साथ में टाइम तो लेते वो तो बोला ही है बारह घंटे तो बारह प्लस अठारह यानी तीस घंटे आंसर देना है या घंटे या जो भी था घंटे ही था है ना तो तीस घंटे आंसर देना है क्लियर है तो वहां पर ही चुक हो जाती है लोग अठारह अच्छा लिख लेते हैं है ना वो बारह को ऐड करना है तो देखिए वही फॉर्मूला यहाँ पे भी काम आ गया है ना तो यही है बहुत अलग अलग क्वेश्चंस लेके आए हैं जहां पे आप इस फॉर्मूला से आंसर कर सकते हो क्लियर है चलिए इसमें कर लीजिए पोस्ट कर लीजिए वीडियो होने लगेगा कोई दिक्कत नहीं है है ना देखिए सेम है 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 ना कैसे नहीं होगा अब तो हमें पता है एक्स्ट्रा टाइम ऑफ है नहीं दिया एक्स्ट्रा टाइम ऑफ भी नहीं दिया लेकिन जो साथ मिलकर देखते हैं वो तो 16 का स्क्वायर दो है है ना ऐसा तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि एक्स्ट्रा टाइम ऑफ ए एक्स्ट्रा टाइम ऑफ बी और हमें ये बोला है कि दोनों में 24 दिन का डिफरेंस है दोनों जो अकेले अकेले टाइम लेते हैं यानी दोनों के एक्स्ट्रा टाइम के बीच में चौबीस का डिफरेंस है तो यानी कुछ सोचना है देखिए ये था तो अपने सोलह गुना सोलह था है ना ये था डिफरेंस बनाना है ना कुछ तो काट लो ना इसको आधा कर लेते ट्राई तो करते आठ इसको डबल कर लेते बत्तीस तो बात तो वही है और बत्तीस और आठ का डिफरेंस आ गया चौबीस है ना तो मिल गया पहले ही ट्रायल एरर में मुझे मिल गया चौबिस तो अब मैं सोचता हूँ हमें पूछा क्या है कि बी द्वारा है ना अब देखिए इसमें ए क्या बी क्या वो ध्यान रख के देखना क्या बोला था ऊपर ए को ज्यादा टाइम लगता है तो ए बत्तीस लेना इधर बत्तीस लेना इधर आठ लेना ठीक है ना वो ध्यान रखना और बाद में बोला है बी द्वारा काम पूरा करने में कितना समय लगेगा आठ मत दे देना आठ ज्यादा लगेगा किससे ज्यादा सोलह से तो सोलह और आठ चौबीस दिन है ना है ना बहुत ही बढ़िया तो इस तरह से आप इजीली कर लोगे ठीक है चलिए एक और एक हटके क्वेश्चन है वापस सोचिए पोज कीजिए वीडियो को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है कहीं ना कहीं तो देखिए सोचिए किस तरह से इसको कर सकते हैं होपफुली आपसे बन गया होगा देखते हैं कैसे कर सकते हैं देखिए अब यहां पे क्या था पता ये देखिए यदि ए और बी मिलकर सी के जितना कार्य करते हैं ये देख के पता चल जाना चाहिए कि टूगेदर जो है ना जो साथ में काम करते ए प्लस बी मतलब किसी हा या ना क्योंकि सी उतना ही काम करता है जितना ए और बी साथ में करता है ये तो मैंने आपको लिख के दिया पर ये सीधा माइंड में समझ मत जाना चाहिए कि इसका मतलब है कि ए और बी साथ में उतना ही टाइम लेते जितना सी लेता है बोला ही है कुछ नया तो है नहीं क्योंकि जितना सेम काम करते हैं तो सेम टाइम लेते होंगे है ना अब देखिए तो हमें क्या ये साथ वाले टाइम से ए कितना लेता है बी कितना ज्यादा लेता है यही तो देखना है ना एक्स्ट्रा टाइम ऑफ ए एक्स्ट्रा टाइम ऑफ बी और एक्स्ट्रा किस से जितना सी लेता है उससे वो समझना क्योंकि टूगेदर का मतलब है जितना सी लेता है तो यहां पे देखिए बोला बोलाइए एको काम पूरा करने में बी से पांच दिन और सी से नौ दिन तो सी से तो कितना वही इंपॉर्टेंट है ना ए सी से कितना ज्यादा लेता है बी सी से कितना ज्यादा वही इंपॉर्टेंट है तो ए सी से तो यहाँ बोली दिया है नौ दिन तो, तो यहाँ पे नौ दिन अब बी सी से कितना लेता होगा वो हमें नहीं पता लेकिन ऐसा बोला है ना ए बी से पांच दिन ज्यादा लेता है यानी कि बी ए से पांच दिन कम लेता है नौ से पांच दिन कम तो ये चार दिन एक्स्ट्रा लेता होगा समझ में आ रहा है ये बात है ना ये बहुत ज़रूरी है समझना देखिए ऐसा है तो मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ ये डायरेक्ट लॉजिक देखिए मेरे हिसाब से मैं तो सीधा यही लिखूंगा नौ और चार यही लिखना था आपको लिखना चाहिए ये तो नौ दिन और नौ माइनस पाँच चार दिन कैसे देखिए बताता हूँ शांति से समझते देखिए एक को एक काम करने में से पाँच दिन तो मैं सोचता हूँ अच्छा ज़्यादा लेता है तो ऊपर रखता हूँ से तो यहाँ पर डिफरेंस पाँच है है ना और सी से ज्यादा डिफरेंस है यानी सी और भी नीचे डाल देता हूँ नौ दिन ए और सी का डिफरेंस नौ है यहाँ पे पांच है तो यहाँ पे चार ही होगा ना अब आप देखिए सी क्या है टूगेदर वाला है ना तो इससे बी कितना ज्यादा लेता है देखिए चार है ना और ए कितना लेता है चार और पांच नौ है ना समझ में आ रहा है तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जस्ट पढ़ के ही सीधा नौ और चार लिख दो बहुत बढ़िया और फिर तो कुछ भी नहीं है नौ और चार का मल्टीप्लीकेशन छत्तीस छत्तीस का स्क्वायर रूट छ यानी सी लेता है छः घंटे है ना छह दिन जो भी है यहाँ पे दिन है तो दिन या तो ए और बी साथ में मिलकर भी छह दिन पूछा गया है ए कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ए अकेला करेगा तो नौ मत लिख लेना है ना नो तो एक्स्ट्रा है किससे जो ये है उससे तो छ प्लस नो पंद्रह दिन लेगा है ना तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकिन इतना इजीली आंसर है ना देखिए फॉर्मूला एक ही है लेकिन कहां कहां पे हम यूज कर सकते हैं थोड़ा आपको समझना है ये चीज

है ना क्योंकि ये क्वेश्चन देख के आप क्या समझते हो आप देखिए आप समझते क्या हो कि अब यहाँ पे ट्रेडिशनल का तो मेरा जगह नहीं है बट यू कैन अंडरस्टैंड है ना ट्रेडिशनल वाला मेथड तो होता ही है इक्वेशन बना के पर यहाँ पे देखिए थोड़ा टफ है टफ क्यों है टफ इसलिए है क्योंकि मुझे ये तो पता चल जाता है यहाँ पे देखिए कि ए बी से मिलकर सी द्वारा अकेले किए गए घंटे से आधे कम समय लेते हैं यानी कि सी जो है ना समझ में आ रहा है आधा टाइम लेते हैं यानी कि सी आधा काम करता है ये समझ में आया है ना तो ए बी सी में से सी अगर आधा काम करता है तो ए और बी इज इक्वल टू सी यहाँ पे भी वही है जो आगे वाले क्वेश्चन में था ठीक है ए प्लस बी उतना ही काम करते हैं जितना सी करते ये तो ठीक है ये तो कैच तो करना ही है तो ही आगे इजी बढ़ेगा वरना फिर ट्रेडिशनल मेथड पे जाना पड़ेगा ठीक है ट्रेडिशनल मेथड तो पता है ना ठीक है आपको क्या करते हैं आप बोलते है, चलो साथ में एक टाइम लेते हैं तो ए बोला ही है छः घंटे ज़्यादा यानी कि ए का टाइम आप एक्स प्लस एक सिक्स ले लीजिए बी का एक घंटे ज़्यादा तो एक्स प्लस सेवन ले लीजिए सी डबल टाइम लेगा यानी टू एक्स टाइम ले एक लीजिए क्योंकि तीनों में आधा लेते हैं तो ये टोटल टाइम ये तीन अलग अलग टाइम और फिर इक्वेशन तो बन ही जाता है कौन सा बनता है वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सेवन प्लस वन अपॉन टू एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं कोई दिक्कत है नहीं बट जैसे आपको लगता है थोड़ा टाइम लगेगा वो ट्रेडिशनल मेथड से कोई ज्यादा नहीं दो मिनट के अंदर अंदर तो वो भी हो जाएगा ठीक है पर अगर आपने कैच पकड़ लिया भाई ये पकड़ते पक, पढ़ते पढ़ते कि अच्छा सी अकेले आधे समय में करता है यानी सी आधा काम करता है है ना क्योंकि टोटल करते तो आधा समय लेता है यानी सी आधा काम करता है तो सी आधा करता है यानी बाकी का आधा है और भी करता है तो चलिए अगर ये आपने पकड़ लिया ना तो अब देखिए आप कैसे सोचोगे ठीक है उसको हम देखते हैं कि तो हम कैसे सोचेंगे देखिए तो फिर एक तो तरीका है क्योंकि देखिए इसमें फिर भी क्योंकि हमें जो टाइम दिया है वो तीनों का साथ में से जो एक्स्ट्रा है वो दिया है सिर्फ ए और बी जो काम करते हैं ना तो सी करता है सी से कितना ज्यादा दिए करते वो नहीं दिया लास्ट टाइम कैसा अच्छा था ये वाले क्वेश्चन में कि सी से कितना ज्यादा देते वो सीधा मिल जाता था और सी ही टूगेदर था यहाँ पे भी सी ही टूगेदर है लेकिन अब जो एक्स्ट्रा टाइम है वो सी से कितना ज्यादा नहीं दिया ए बी सी तीनों से कितना ज्यादा दिया और तीन वाला कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं है ना तो ऐसे ही वो फॉर्मूला यूज मत कर देना यहाँ पे कि चलो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते 6 घंटे एक घंटे छ और एक 6 का स्क्वायर रूट स्कुर्ण रूट सिक्स ऐसा कुछ नहीं है ना क्योंकि वो तो तीनों का टाइम है और तीनों का कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं ठीक है तो फिर क्या करें तो इसीलिए तो या तो ऑप्शन से चले जाओ या तो जैसे मैंने बोला वो इक्वेशन था ना वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस से जाओ ना इजी है क्यों पूरी मेहनत करें हम ये तो समझ गए कि ए कितना घंटे ज्यादा लेता, लेता है ना यानी दो गुना और टोटल टाइम को हम एक्स मान लेते हैं तो ये 2x हो जाएगा है ना दो गुना यानी यहाँ पे शांति से लिखता हूँ 2x ये x प्लस सिक्स ये x प्लस वन ये तो हमें पता ही है तो मैंने आगे लिखा है वही है सर समझाने के लिए वापस लिखा तो ये हम ऑप्शन से चले जाएँ ना कि भाई देखिए पूछा लेकिन कौन सा है कौन सा ऑप्शन यहाँ वाला यहाँ वाला कौन सा पूछा है ए और बी एक साथ काम करते हो तो कितने घंटे लगेंगे ए और बी एक साथ यानी सी का टाइम तो सी का जो ये टू एक्स है ना उसकी जगह एक ऑप्शन है है ना तो देखते चलिए ऑप्शन से अगर मैं ये लूँ टू बाई थ्री अब ये या आवर यानी चालीस मिनट है ना टू बाई थ्री आवर यानी चालीस मिनट तो अगर मैं ऑप्शन से यहाँ पे मैं चालीस बनाऊँ ठीक है तो ये चालीस तो ये आधा बीस हो जाएगा और बीस और छः घंटे ऐड करना है तो छब्बीस मत बोल देना ये मिनट में लिया है ना हमने तो उसको फिर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना छः घंटे यानी तीन ऐड कर दो इसमें तो तीन और इसमें साठ और साठ ऐड कर दो साठ और बीस अस्सी अब ये तीन टोटल करके क्या बीस आ सकता है अब ये तीन सौ अस्सी दिखने से ही अजीब लगता है है ना उन्नीस के टेबल में आता है कैसे सेट होगा नहीं हो सकता भूल जाते ये शायद तो नहीं होना चाहिए किया नहीं है रख देते चलिए थ्री बाई फोर यानी फोर्टी फाइव मिनट्स है ना अगर ये मैं फोर्टी फाइव मिनट्स लूंगा तो ये तो साढ़े बाईस ऐसा अजीब सा नाइन्टी परसेंट नाइन्टी नाइन परसेंट तो नहीं आएगा देखते हैं फिर सोचते हैं थ्री बाई टू ऑवर यानी नब्बे मिनट ये नब्बे मिनट लग लिखूंगा तो ये फोर्टी फाइव आ जाएगा और 45 फाइव प्लस छः घंटे यानी 405 मिनट आ जाएगा ये भी तो अजीब लग रहा है ना 405 मिनट सब काटना कुटना बहुत अजीब लग रहा है शायद ये भी पॉसिबल नहीं होगा देखते फोर बाई थ्री फोर बाई थ्री का मतलब क्या होता है इन सिक्सटी कर दो यानी 80 मिनट है ना 80 मिनट देखते अगर ये अस्सी मिनट है तो ये चालीस मिनट है ये चालीस में छः घंटे तीन सौ कर दो चार ये अच्छा राउंड फिगर आ रहा है चालीस में एक घंटा यानी साठ मिनट एड कर दो तो साठ चालीस सो ये भी अच्छा रहे देखिए ये बैठ रहा होगा सीधी सी बात है नॉर्मल फिगर से तो बैठ जाएगा ये तीनों क्या मिलके के करे तो इतना काम होगा देख लेते हैं ना अगर ऑप्शन से जा ही रहे एक बार देख लेते हैं चार इसका क्या मतलब हुआ ये चार मिनट लेता है बीस सौ सी अस्सी मिनट तीनों का एल सी एन, तो ये एक काम करता होगा ये चार काम ये पाँच काम है ना तो तीनों मिलके के पाँच चार नौ एक दस दस काम करते होंगे तो कितना टाइम लगेगा चार सौ बटे दस चालीस आ गया ना बैठ गया है ना जब ये फिगर्स डाले तो बैठ गया यानी कि ये सही है तो देखिए मैं ऑप्शन से करूंगा क्योंकि ऑप्शन से देख के ही पता चल जाता है कि यह थ्री एटी ऐसा अजीब नहीं होगा फोर्टी ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव नहीं होगा है ना यहाँ पे पिस्तालीस प्लस तीन सौ सात चार सौ पाँच वापस अजीब नंबर है है ना नहीं होगा कोई नॉर्मल टेबल में नहीं आता तो मैच नहीं करेगा राउंड फिगर चाहिए ना हमें वो नहीं मिलेगा क्लियर है तो इसलिए इजीली पता चल जाता है कि ये देखिए राउंड फिगर भी बन गए तो मैं होता तो इसको ऑप्शन से करता वैसे एक और भी तरीका था नॉर्मल तरीका तो था ही इक्वेशन वाला है ना लेकिन और एक और एक इक्वेशन भी था क्या इक्वेशन था यहां पे देखिए हमें ये तो पता है कि ए बी और सी का मतलब ए प्लस बी है यहां पे भी ओके और ये टू एक्स टाइम लेता है ये एक्स प्लस वन ये एक्स प्लस सिक्स और साथ में मिलके एक्स टाइम लेता है। ये तो हमें पता था है ना ठीक है इक्वेशन से जा सकते हो लेकिन ऑप्शन से जा सकते हो लेकिन अगर आप ऐसा सोचो कि यार ये साथ में मिलके जो टाइम लगते इससे कितना एक्स्ट्रा ऐसा कुछ लेना हो तो उसका तो हमारे पास फॉर्मूला है ना कि भाई इस जो साथ में लेते उससे कितना एक्स्ट्रा मिल जाए तो उसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दे तो साथ में मिलता है वो टाइम होता है तो यहाँ पे देखिए थोड़ा एक्स के टर्म्स में इक्वेशन से वो फॉर्मूला भी यूज करो और इक्वेशन भी लगाओ मैं तो ऑप्शन से जाता लेकिन फिर भी एक तरीका है तो शेयर कर रहा हूँ है ना तो मैं क्या सोचता पता है क्योंकि तो ये टू एक्स से कितना ज़्यादा है कैसे पता चले तो यहाँ पर टू एक्स कहीं ना कहीं होना चाहिए तो मैं क्या करूंगा ये एक्स की जगह में क्या लिखूंगा टू एक्स माइनस एक्स लिख सकता हूँ ना टू एक्स माइनस एक्स एक्स ही होता है तो इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना टू एक्स माइनस एक्स प्लस सिक्स इसकी जगह टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन समझ में आ रहा है तो साथ में जो टाइम है वो टू एक्स है उससे कितना ज्यादा देखिए ये सिक्स माइनस एक्स ज्यादा यहाँ पे कितना ज्यादा वन माइनस एक्स ज्यादा तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करूँ सिक्स माइनस एक्स और वन माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है टूगेदर के टाइम का स्क्वायर टूगेदर टाइम तो टू एक्स है तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो टूगेदर का टाइम टू एक्स टू एक्स का स्क्वायर यानी फोर एक्स स्क्वायर आता है तो इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं है ना छ माइनस सेवन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है ना ठीक है ना सबको उधर बेस देते हैं ना ये फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो थ्री एक्स स्क्वायर है ना ये माइनस सेवन एक्स उधर प्लस सेवन एक्स हो जाएगा और ये प्लस सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो है ना तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो तीन इंटू छः अठारह और नौ माइनस दो अठारह हो गया ना तो थोड़ा क्वार इक्वेशन फटाफट करना आना चाहिए थ्री एक्स स्क्वायर अठारह नहीं नौ करना था ना तो प्लस थ्री यानी नाइन एक्स हो गया यहाँ पे यहाँ पे माइनस टू एक्स हो गया और टू इंटू थ्री सिक्स भी हो गया माइनस सिक्स तो यानी एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री और माइनस थ्री माइनस में तो टाइम होता नहीं है तो एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री टू बाई थ्री आंसर मत कर देना क्योंकि तो हमें पूछा क्या है ए और बी साथ में मिल कितना टाइम लेंगे यानी सी का टाइम पूछा है जो कि टू एक्स था एक्स कितना था आपका टू बाई थ्री टू इंटू टू बाई थ्री यानी कि फोर बाई थ्री ये आपका आंसर है ना पर मैं ऐसे नहीं करूंगा भाई मैं तो ऑप्शन से जाऊंगा पर एक मेथड था तो मैंने आपसे शेयर किया कि शायद आप ऐसे भी सोच सकते हो पर अगर इतना इक्वेशन ही बनाना था तो आप ट्रेडिशनल इक्वेशन से भी कर लेते ना जो हमने यहाँ पे बात की थी कि वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स अपॉन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सेवन प्लस वन अपॉन टू एक्स है ना वो भी उतने टाइम में तो हो जाता ठीक है ना तो चलिए कोई बात नहीं लेकिन ये एक क्वेश्चन था बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था काफ़ी बार पूछा गया है ऑप्शन वॉज द बेस्ट आइडिया राइट सो दैट्स अबाउट इट ठीक है आई so होप कि आपने एंजॉय किया होगा और अगर ऐसे क्वेश्चन दिख जाए ना एग्जाम में अकेले करके कितना टाइम एक्स्ट्रा लेते हैं या फिर एक दूसरे से कितना और टोटल टाइम दिया है तो हम यू कर लेंगे है ना अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फाइन ऑल राइट देन आई होप यू एंजॉयड इट कीप वॉचिंग Keep learning and happy learning.